है नारियल पानी, देखकर ही कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना। तो कल मेरे पेशेंट के व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझे एक पेरिटोनियल डायलिसिस वाले पेशेंट ने पूछा, क्या मैं नारियल पानी पी सकता हूँ, क्योंकि मैं तो हीमोडायलिसिस पर नहीं हूँ। सो आइडियली इसका जवाब ये है कि अगर आप पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं तो ये डायलिसिस जो है वो बार बार होती है, दिन भर में ऑलमोस्ट 2 to 3 times होती है, लगातार होती है। तो यदि आपके बॉडी में कोई स्वेलिंग नहीं है, यदि आपकी पोटेशियम की ट्रेंड जो है वो ऑलमोस्ट नॉर्मल है, और यदि आपका बीपी ज्यादा बढ़ता नहीं है, तो फिर आप 8 से 10 दिन में एक आध बार ऑलमोस्ट 100 to 200 ml नारियल पानी जो है वो पी सकते हैं। इसके विपरीत अगर आपका पोटेशियम हाई है तो आपने नारियल पानी बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। लेकिन ज्यादातर पेरिटोनियल डायलिसिस पेशेंट्स में ये भी देखा जाता है कि उनका पोटेशियम लेवल जो है वो काफी कम होता है। अगर कम है तो आप हफ्ते में 3 से 4 बार भी आपके नेफ्रोलॉजिस्ट या रीनल डाइटिशियन ने जैसे बताया है उतनी मात्रा में नारियल पानी जरूर पी सकते हैं। सो ये था किडनी रिलेटेड कंटेंट। ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मुझे फॉलो कीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर रचना जसानी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।